मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम साइंस का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं जो काफ़ी अच्छे क्विज है और ये सभी जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी अच्छे क्विज है ना। देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्विज, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक किनेमैटिकल समीकरणों खोज और समीकरणों खोज आदि जैसे नियमों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास जे मार्कोनी, ऑप्शन बी है ए फर्मी, ऑप्शन सी गैलीलियो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वो साइंटिस्ट है गैलीलियो। ठीक है, किनेमैटिकल समीकरण की खोज ये सब गैलीलियो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विज्ञानी का संबंध वायरलेस टेलीग्राफी, रेडियो और वायरलेस संदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसका है? ऑप्शन ए जी मार्कोनी, ऑप्शन बी ए फर्मी, ऑप्शन सी गैलीलियो और ऑप्शन डी है आइंस्टाइन। ठीक है, तो इसमें जी मार्कोनी है ना, वायरलेस और रेडियो संदेश से जुड़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की? ठीक है, ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी जे जे थॉमसन, ऑप्शन डी सी आर टी विल्सन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जे जे थॉमसन ने। ठीक है, जे जे थॉमसन जो थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनों की खोज की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भौतिकी में कौन सा उल्लेखनीय योगदान न्यूटन द्वारा दिया गया? ठीक है, एक तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ये भी सही है दिया, गति के नियम दिए और नेक्स्ट कैलकुलस की खोज, ये तीनों जो हैं न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं ना, तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक ए फर्मी ने भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा उत्कृष्ट योगदान दिया? ए फर्मी का पूछ रहा है ना, ऑप्शन ए कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्वों की पहचान, ऑप्शन बी बिजली के प्रतिरोध का नियम, ऑप्शन सी विद्युत प्रवाह का थर्मल प्रभाव और ऑप्शन डी सभी। तो इसमें जो फर्मी का है कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्वों की पहचान की ए फर्मी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक ओटोहन और स्टासमैन का भौतिकी क्षेत्र में कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? ऑप्शन ए परमाणु संलयन, ऑप्शन बी परमाणु विखंडन, ऑप्शन सी बारूद, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसमें परमाणु विखंडन है, भौतिकी क्षेत्र में इनका उत्कृष्ट योगदान है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक थेल्स का भौतिकी क्षेत्र में कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? ऑप्शन ए फोटो, ऑप्शन बी वोल्टा, ऑप्शन सी स्थैतिक और ऑप्शन बी बिजली पाउली। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही आपका, स्थैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक मिलिकन का भौतिकी क्षेत्र में कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? ठीक है, मिलिकन का ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ऑप्शन बी न्यूट्रिनो, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक न्यूटन का भौतिकी क्षेत्र में कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? ठीक है, ऑप्शन ए शीतलक का सिद्धांत, किसी गर्म क्षेत्र स्रोत से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ऑप्शन बी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें शीतलन का नियम दिया न्यूटन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, वैज्ञानिक हेनरी हर्ट्ज का भौतिकी क्षेत्र में कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? इसमें देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है फोटो, ऑप्शन सी मिका सीट और ऑप्शन डी किसी गर्म स्रोत से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।